इतिहास गवाह है, जब जब दलित कोई नेता मजबूत हुआ है, मजबूती से अपना आवाज उठाया है, अपने लोगों की रक्षा किया है, तब तक उसको जो है नक्सली बोला गया है। जब तक कोई मुस्लिम नेता मजबूत हुआ है, अपने लोगों के अपने कौम की आवाज़ बना है, तो उसे पाकिस्तानी बोला गया है, उसे आतंकवादी बोला गया है। ये गलत है और ये हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैसे नक्सली, परमेश्वर मुखिया हीरो हो गया और आजाद पासवान नक्सली हो गया, कौन नक्सली काम किया है? तो दलित का आवाज था, बक्सर और शाहबाद जिला का हीरो था आजाद पासवान, जिसको सामंतवादियों ने गोली मार करके हत्या कर दिया। आज लगभग महीना दिन होने को है, भाई आजाद पासवान जी का हत्यारे अभी क्यों घूम रहे हैं? इस चीज का हिसाब लेने हम लोग बक्सर पहुंचे हैं। बक्सर पुलिस देखिए, आज कैमरा घुमा के देखे, एसपी महोदय डीएम महोदय दरवाजा बंद करके रखे हैं। ये दीवार है, ये दरवाजा ये बंद करने के लिए नहीं बनाया गया है। ये जवाब दीजिए आकर के कि हमारे भाई की हत्यारे अभी घूम क्यों रहे हैं? आप कितना भी जो है राजनीति दबाव कर लीजिए, आजाद पासवान को जो हत्यारे हैं उनको हमें बकसने काम नहीं करेंगे। ये बक्सर की धरती ऐतिहासिक धरती है, यहाँ से जो आग लपटे है पूरे शाहबाद में फैल गया है। अगर न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, तो हम लोग जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने के बाद होंगे। हमारी मांगे हैं कि आज 25 दिन बाद भी सरकार के जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो आज सरकार के और नेताओं के रखेल बन करके बैठे हुए हैं। ये नहीं चलेगा, आप जनता के लिए हैं और जनता को न्याय मिलना चाहिए। 25 दिन बाद भी आज भी गिरफ्तारी नहीं हुए आजाद पासवान के हत्यारे घूम रहे हैं खुलेआम, और वो परिवार जो है लगातार गुहार लगा रहा है। आज हजारों की संख्या में समाहरणालय एसपी आवास के सामने हम लोग कार्यालय के सामने धरना दे रहे हैं, और जब तक न्याय नहीं मिला तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इतिहास गवाह है, जब जब दलित कोई नेता मजबूत हुआ है, मजबूती से अपना आवाज उठाया है, अपने लोगों की रक्षा किया है, तब तक उसको जो है नक्सली बोला गया है। जब तक कोई मुस्लिम नेता मजबूत हुआ है, अपने लोगों के अपने कौम की आवाज़ बना है, तो उसे पाकिस्तानी बोला गया है, उसे आतंकवादी बोला गया है। ये गलत है और ये हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे डीएम मालिक नहीं है और नहीं कोई यहाँ के जो है बहुत बड़े यहाँ पर क्या बोलता है हीरो है, वो है ना, वो नौकर है और जनता का नौकर है, उन्हें मिलना पड़ेगा, है ना। अरे बंद किए हैं वो, उनका प्रोटोकॉल है, और हमारा मांगे हैं जो हम शांतिपूर्वक तरीके से अम्बेडकरवादी और जो सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले लोग हैं आज वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, संवैधानिक तौर तरीके से हम अपनी मांग रख रहे हैं। देखिए हम लोग पटना से चल के आए और बिहार के बक्सर जिला के लाखों दलित समाज के लोग उनके आजाद पासवान के न्याय, ये बक्सर में ही सिर्फ नहीं हो रहा है, पूरे बिहार में दलितों की हत्या हो रही है, और जो दलित की हत्या हो रही है सरकार चुप है, और मुजफ्फरपुर में भी रेप हुआ, हर जिला में बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, और पुलिस प्रशासन दलितों को न्याय दिलाने में नीतीश कुमार और जो एनडीए की सरकार वो विफल है। हम कहेंगे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन किसी न किसी दिन दलितों की हत्या हो रही है। और बताइए, अभी तक उसका लाइसेंस नहीं जब्त किया गया है, उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है, ये कितना गलत है, क्योंकि दलितों को आप न्याय नहीं दे पा रहे हैं। और सरकार की है, प्रशासन की है, पुलिस की है, ये तो जातीय गुंडागर्दी हो रहा है, हम लोग इसके खिलाफ है। आज बक्सर के डीएम एसपी से हम लोग मिल करके न्याय दिलाने की बात करेंगे, जब तक वो मिलेगा नहीं जब तक यहाँ से हटने वाले नहीं। कैसे नक्सली, परमेश्वर मुखिया हीरो हो गया और आजाद पासवान नक्सली हो गया, कौन नक्सली काम किया है? तो दलित का आवाज था, बक्सर और शाहबाद जिला का हीरो था आजाद पासवान, जिसको सामंतवादियों ने गोली मार करके हत्या कर दिया, इसके खिलाफ हम लोग है। आज पूरा बक्सर घेराव हो रहा है, हम लोग न्याय लेकर के रहेंगे, अपराधियों को गिरफ्तार। अभी तक पीड़ित परिवार को मुआवजा भी नहीं मिला है, उसको जो गोली मार का लाइसेंस रद्द नहीं हुआ है रिवाल्वर का और राइफल का, तो सरकार गुंडों को संरक्षण दे रही है। पुलिस अरे जिलाधिकारी तो जिलाधिकारी मालिक होता है ना, SC ST अत्याचार निवारण का कौन होता है, वही जिला अध्यक्ष होता है, वही से तो जिला पदाधिकारी का ही पूरा दायित्व है कि दलितों को अधिकार दे, संरक्षण देने का काम करे। ये बिल्कुल गलत है, हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमारा आजाद पासवान देखिए, यहाँ के बक्सर पुलिस जो है खुलेआम अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है, क्योंकि
आजाद पासवान जी की हत्या 7 अगस्त को लगभग गोली मारी गई थी। 3 दिन वो हॉस्पिटल में दर्द से तड़पते रह गए, वो पीड़ा से तड़पते रह गए। 3 दिन बाद उनकी हत्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और अभी तक जो है उनको उन पर तबतोड़ गोलियां मारने वाले अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं। ये सबूत देता है कि ये बक्सर पुलिस प्रशासन के लोग सत्ताधारी के इशारे पर उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। तो ये खुलेआम जो है दलित विरोधी सरकार के खिलाफ, दलित विरोधी सरकार के साथ मिलकर के दलितों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन एसपी महोदय इस चीज का जवाब दे आज कि आज लगभग महीना दिन होने को है, भाई आजाद पासवान जी का हत्यारे अभी क्यों घूम रहे हैं, इस चीज का हिसाब लेने हम लोग बक्सर पुलिस। देखिए आज कैमरा घुमा के देखिए, एसपी महोदय डीएम महोदय दरवाजा बंद करके रखे हैं। ये दीवार है, ये दरवाजा ये बंद करने के लिए नहीं बनाया गया है। ये जवाब दीजिए आकर के कि हमारे भाई की हत्या रहे अभी घूम क्यों रहे हैं। आज आजाद पासवान की हत्या हुई, कल हमारी होगी, कल हमारे समाज के लोगों की होगी, कब तक हम चुप रहेंगे? हम इस तरह से चुप नहीं बैठने वाले, उन्हें हिसाब देना होगा कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर उनको पुलिस पदाधिकारी को सारे बल बूते होने के बावजूद, सारे पुलिस के फोर्स होने के बावजूद वो लोग अगर अपराधियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो वो लोग ये बात कह दे कि हम नहीं पकड़ पाएंगे, हम अपने भाई का बदला ले लेंगे, हमें इतनी ताकत है क्योंकि हम लोग उस काम से आते हैं जो मात्र 500 ने 28,000 को गाजर मूली की तरह काटा था, वो हमारा इतिहास जा करके पढ़ ले। बस इतना ही कहूँगा। देखिए एक कहता है कि बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार है, इस बार बता देते हैं कि बिहार से बाहर है और नीतीश कुमार है। आज दिन दलितों पे घटना जो है कि रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा है। कहता है कि हाँ पूरा ही सुशासन की सरकार है, ये कुशासन की सरकार है। आज दिन दलितों पे घटना जो है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है, हर दिन कहीं ना कहीं दलितों पे घटना हो रहा है। हम बता देना चाहते हैं कि भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो संघर्ष जारी रहेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग हटेंगे नहीं, यहीं पे धरना देंगे, अपने भाई को न्याय दिला के रहेंगे। और खास करके बता दे ये जो कहता है कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार, इस बार बिहार से बाहर है तब नीतीश कुमार है। कहता बहन बेटियों पे हो रहा है अत्याचार है, कहता नीतीश कुमार है, हर दिन बहन बेटी पे अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, दिन दहाड़े गोली मार दिया जा रहा है। कुशासन की सरकार है, कुशासन की। जब भी इस देश में नीतीश कुमार की नाम लिया जाएगा तो बताया जाएगा कि इनके शासन काल में दलितों पे आए दिन अत्याचार हुआ था। सबसे बड़ा जंगल राज कहीं था तो नीतीश के शासन काल में जंगल राज, इससे बड़ा जंगल राज नहीं हो सकता, ये हम आपको बता देते हैं। एक इसीलिए कहना चाहते हैं जब जब जुल्म जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, जय भीम के नारे। बक्सर के कलेक्ट्रेट गेट के जस्ट सामने है जहां पर भीम आर्मी और स्वदेव भारतीय समाज पार्टी जो है प्रशासन के खिलाफ जो है मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और देखिए तमाम जो है एक तरफ जहां भीम आर्मी के जो है भीम सैनिक आप लोगों को मिल जाएंगे और स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के तमाम जो है कार्यकर्ता मिल जाएगा, वहीं दूसरी तरफ देखिए कि किस तरीके से तमाम जो है पुलिस बल जो है जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं जिलाधिकारी से जो है ये तमाम जो भीम आर्मी और जो आजाद समाज पार्टी के बुलवाइए उन लोगों को, आप लोग नहीं है, आप लोग हैं बुलवाइए, लेकिन थोड़ा सा विधि व्यवस्था को बनाए रखें, विधि व्यवस्था बन जितना जल्दी जितना जल्दी बुलवा दीजिएगा उतना जल्दी हम लोग यहाँ से डीएम साहब आए, डीएम या कोई एसपी बड़ा पदाधिकारी आप लोग तो नहीं कर रहे हैं, बड़ा पदाधिकारी बुलाइए हम लोग मिलेंगे बात करने के लिए, कोई भी डीएम या एसपी है उनको बुलवाइए हम लोग चल के जाके मिलेंगे, बुलवाइए।
आश्वासन मिल रहा है सर? आश्वासन क्या है, हम लोग बोले हैं कि डीएम साहब या एसपी साहब जो भी हैं उनको बुलवाइए, हम उनसे बात करेंगे कि अभी तक क्या कार्रवाई की है और इस पे क्यों नहीं अभी तक अपराधी पकड़ाया है। तो प्रशासन से बात कर रहे हैं कि डीएम साहब को बुलवाइए, एसपी साहब को, उनसे बगैर मिले हम लोग जाएंगे नहीं। बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, हम लोग उन्हीं से मिलने के लिए आए हैं, डीएम साहब से ही मिलने के लिए आए हैं, एकदम आएंगे, एकदम आना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग हटेंगे नहीं यहाँ से। आजाद पासवान को न्याय दिलाने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं, उनको न्याय दिला करके कुछ ना कुछ यहाँ से हल ले करके जाएंगे। और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर जो है नारे लगाए जा रहे हैं, और देखिए कि किस तरीके से बीते दिनों आजाद पासवान की जिस तरीके से दिन दहाड़े जो है गोली मारकर हत्या होती है, और घटना के लगभग 25 दिन हो गए हैं, तमाम भीम आर्मी और सुलदेव भारतीय समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जितने सारे कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन ने बड़ी जो है लापरवाही दिखाई है, और यही कारण है कि 25 दिनों के बाद भी अब तक जो आरोपी है वो पकड़ा नहीं जा सका है। और तमाम देखिए, ये बक्सर का कलेक्ट्रेट गेट है जहाँ पर जो है तमाम भीम आर्मी के समर्थक जो है प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने का काम, और देखिए अंदर जो है जो तमाम आला अधिकारी हैं उनसे बात करने की भी जो है कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ बात हो रही है आपको जनतंत्र खबर जो है दिखाए? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा। अब देखिए बता दे रहे हैं डीएम साहब नहीं रहेंगे तो हम लोग यहाँ से जाएंगे, सीधी बात जाएंगे। हम लोग जो ज्ञापन, सुनिए ना, सुनिए ना, आप अगर जो है सही पत्रकारी हैं तो आप लोग सामने बात कीजिए, ठीक है? नहीं तो डीएम साहब और एसपी साहब से हमारे से मिलवाइए, मिलवाइए, हमारी वार्ता दोनों से होगी, एसपी डीएम दोनों से होगी। पुलिस अपराधी कठोर मुर्दाबाद। बक्सर का एसपी और डीएम निकम्मा है, आजाद पासवान के हत्यारे आज भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। 25 दिन हो गया, मजबूरन भीम आर्मी जो है सड़क पर उतरने की बात हुई है, और ये डीएम साहब और एसपी साहब सोचते हैं कि हम लोग जो है उनकी आवाज को दबा देंगे। इस बात को कहना चाहते हैं कि आप कितना भी जो है राजनीति दबाव कर लीजिए, आजाद पासवान के जो हत्यारे हैं उनको हमें बकसने काम नहीं करेंगे। ये बक्सर की धरती ऐतिहासिक धरती है, यहाँ से जो आग लपटे है पूरे शहाबाद में फैल गया है। अगर न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने के बाद होंगे। जो नीचे का अधिकारी है उनसे बात क्यों नहीं कर रहे? डीएम यहाँ का भगौड़ा हो गया है, जब उसको पता है कि यहाँ पे हम लोग कार्यक्रम है वो क्यों भागा? हमारी वार्ता यहाँ के एसपी और डीएम दोनों से होगी, वरना हम लोग यहाँ से जो है हटने वाले नहीं है। तो दीवार तोड़ देंगे हम लोग, दीवार तोड़ देंगे। 25 दिन के आरोप सम्मान किया हम लोग, कहाँ गया पुलिस तंत्र? यहाँ का डीएम सब निकम्मा है, सब जो है राजनीतिक दबाव में आकर और आजाद पासवान के हत्यारे को बात हो रही है। अगर बात नहीं होगी तो यहाँ पर रात भर हम सड़क पर बैठेंगे, रात भर बैठेंगे। तमाम जो है सभी लोग जो है प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, और देखिए जबरदस्त आक्रोश जो है पुलिस प्रशासन और यहाँ के अधिकारियों के खिलाफ है। जिस तरीके से आजाद पासवान की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या होती है, और घटना से 25 दिनों में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मांग है कि जितना जल्दी से जल्दी उन लोग गिरफ्तार करके फांसी पर दे, फांसी दे उनको, जितना अधिक से अधिक, जितना जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करे। और आपका बता देते हैं, ये बक्सर जिला का जो डीएम है इसी का है करदारी, पूरा बक्सर हत्या करवा रहा है। ये क्या नहीं गलती है, शासन प्रशासन का गलती है, गलती ये है कि अपना ड्यूटी नहीं निभाता है। ये एसी में बैठ करके, एसी में बैठता है और बैठ करके ये दलितों का हत्या देखता है। अगर ये हत्या नहीं, अगर ये नहीं देखना चाहता है तो ये एसी में नहीं रहता। हम कह रहे हैं ये अपना ड्यूटी करता, ये क्या ड्यूटी कर रहा है 25 दिन से, 30 दिन से क्या ड्यूटी कर रहा है?
ये कहाँ है अभी, क्या जांच कर रहे हैं? जो आदमी अपना खुद का बयान दिया, खुद का अपना व्यवस्था सब कुछ बताया, उसमें ये क्या जांच कर रहा है? बयान को फेक बतलाया जा रहा है, उनका बयान का फेर बदल किया जा रहा है, उनका बयान से विचलित किया जा रहा है। ये जानबूझ करके हमारे समाज में जो भी अगुआ उठता है उसका ये मर्डर करवाने का काम करता है। ये हमारी बिहार का जो शासन प्रशासन है ये पूरा का पूरा चरमरा गया है, ये जानबूझ करके हत्या करवा रहा है हमारे दलित समाज में। राम जी तिवारी का ये शरण दे रहा है, ये आरएसएस का संरक्षक है, ये आरएसएस का मिला हुआ है। हम बता रहे हैं ये बहुत बड़ा, इसको कुर्सी छोड़ो, ये कुर्सी छोड़े, बस इतना ही मजा, तो कुर्सी छोड़े। हम लोग का पैसा है, घर का पैसा है, इंतजार का पैसा नहीं मिलेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा इनको कुर्सी खाली कराने का काम करेंगे हम लोग।